वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएटी स्टूडेंट्स। तो हिमेटोलॉजी के अंदर आज आप क्या डिस्कस करोगे? तो टुडेज लेक्चर ऑन लैंडस्टीनर लॉ फॉर ब्लड ग्रुपिंग। यानी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर लैंडस्टीनर के क्या कानून थे, वो क्या अपना क्या बताना चाह रहे थे, अपना उनका रिस्पॉन्स क्या है ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। और क्या है कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग को भी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था, ब्लड ग्रुप के इंट्रोडक्शन के ऊपर था। पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, ब्लड ग्रुप उनका जनरल इंट्रोडक्शन। तो ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। यानी ब्लड को क्या है, अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये डिवाइडेशन किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है, कि ब्लड की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के ऊपर, कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, एंटीजेनिक एंड इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड हैव क्लिनिकल, जेनेटिक्स एंड मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और एंटीजेनिक एंड इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, एंटीजेनिक यानी क्या है, उसके एंटीजन की जो प्रॉपर्टी है, और इम्यूनोलॉजिक यानी एंटीजन एंटीबॉडी की जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की, वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लिनिकल के लिए यानी रिसर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का डिसाइड है, उनका डिसीजन है, वो किससे होता है, पेरेंट्स से। और मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट भी है, यानी ट्रीटमेंट के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है इसका, ब्लड ग्रुप का इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट, कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर ब्लड ग्रुप ऑन 1901। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या है, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कब की थी, 1901 के अंदर की थी। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप प्ले एन या प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ग्रुप क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। यानी जब भी क्या है, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो, या फिर एनीमिया हो, या फिर कोई अदर कंडीशन हो, तो जो क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसके अंदर क्या है ब्लड ग्रुप्स का क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट, दीज आर अराउंड 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 600 एंटीजन एंड मोस्ट ऑफ देम आर वीक एंटीजन। तो यहाँ पे क्या है, 35 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यानी 35 प्रकार के सिस्टम से अपन ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जबकि क्या है, एंटीजन कितने हैं ब्लड के अंदर, 600 एंटीजन प्रेजेंट है। जो मोस्टली क्या है, उनमें से सारे एंटीजन कहते हैं वीक एंटीजन है, कमजोर एंटीजन है, यानी वो अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करते ज्यादातर। नेक्स्ट, तो सिस्टम कौन से है, एबीओ सिस्टम हो गया, RH सिस्टम हो गया, M एंड N सिस्टम हो गया, लिविस सिस्टम हो गया, P सिस्टम हो गया, KL सिस्टम हो गया, या फिर W सिस्टम हो गया। और इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम कौन सा है, तो ABO एंड RH जो सिस्टम है, आपको पता है एंटीजन भी कौन से प्रभावी है जो इंपोर्टेंट है ब्लड ग्रुप के अंदर, A और B एंड RH, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH जो ब्लड ग्रुपिंग है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो किसके ऊपर डेवलप है, किसके ऊपर डिपेंड है, एबीओ के ऊपर। सबसे पहले अपन कौन सा सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटेक्शन का सिस्टम डिटेक्ट देख लेते हैं। तो ह्यूमन ब्लड इज कैटेगराइज इनटू फोर मेजर ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। तो ह्यूमन ब्लड इज कैटेगराइज इनटू फोर मेजर ग्रुप, यानी ह्यूमन का जो ब्लड है कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, कितनी कैटेगरी बनाई गई है, चार कैटेगरी बनाई गई है। और ये चारों कैटेगरी किसके ऊपर डिपेंड है, तो डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, यानी वो एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट, एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और ये जो एंटीजन होते हैं वो क्या है, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो रेड ब्लड जो सेलुलर कंपोनेंट है ब्लड के अंदर, जो मेजर कंपोनेंट
कंपोनेंट है उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी रेड आरबीसी की जो डोनेन मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या एंटीजन कोटेड रहते हैं, दे आर कॉल्ड एग्लूटिनोजन। और एंटीजन को अपन क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन बोलते हैं, यानी एंटीजन का दूसरा नाम क्या है, एग्लूटिनोजन है। नेक्स्ट, देयर आर टू एग्लूटिनोजन इन द एबीओ सिस्टम। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या है, दो प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं यानी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या है, ए एंड बी। यानी आरबीसी के सरफेस पे मोस्टली दो प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, द ब्लड कंटेन एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, दीज आर कॉल्ड एग्लूटिनोजन। और ब्लड के प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है और उनको क्या बोलते हैं अपन, एग्लूटिनिन बोलते हैं। दे आर एब्सेंट एट बर्थ टाइम, रीचिंग इन मिनिमम बाय 8 to 10 years। और ये क्या है, जन्म के समय क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इनको बनने में कितना टाइम लग जाता है, 8 से 10 साल। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ग्रुप थर्ड। तो ब्लड ग्रुप के अंदर देखिए कि अगर ग्रुप क्या है, ए है, रेड ब्लड सेल की सरफेस जो है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा। और ह्यूमन के अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, बी प्रेजेंट होगी। यानी कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी कभी भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, यानी सिमिलर जो एंटीजन की सिमिलर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। और एंटीजन इन रेड ब्लड सेल, और एंटीजन कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप में ए ही होगा। नेक्स्ट, जी ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उसके अंदर आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। तो एंटीबॉडी कौन सी है प्लाज्मा के अंदर, यानी ए एंटीबॉडी है। और एंटीजन कैसा होगा आरबीसी की सरफेस पे, बी एंटीजन होगा। नेक्स्ट है ग्रुप ए और बी, ग्रुप ए यानी ए और बी दोनों ही एंटीजन क्या हो, प्रेजेंट हो इसके ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर, एंटीबॉडी क्या होगी प्लाज्मा के अंदर, एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी। और एंटीजन रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और दोनों ही एंटीजन होंगे ए और बी। अगर ग्रुप क्या हो, ओ हो, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कैसी होगी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, जबकि एंटीजन क्या है, अनुपस्थित रहेगा आरबीसी के सरफेस पे, ना तो ए एंटीजन होगा और ना बी एंटीजन होगा। और इसी के अकॉर्डिंग क्या, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को क्या है, 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी ए बी और ए बी और क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, ये क्या है, चारों ब्लड ग्रुप के टाइप हैं। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक्स अगर देखना चाहे अपन, तो ए ब्लड ग्रुप में क्या है, ए के अंदर एलील्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, बी के अंदर बी के एलील्स क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। और ए बी के अंदर क्या होता है कि या तो पेरेंट से क्या है कि ए यानी फादर से क्या आ गया, अगर एग्जाम्पल लें तो ए आ गया क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रोमोसोम के अंदर जोड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है वो, अगर एक एलील पे क्या आ गया, ए आ गया कोड, तो दूसरे अगर दूसरे कोड पे क्या आया, बी आया, तो ये दोनों ए और बी जो है दोनों इफेक्टिव एंटीजन है, इसीलिए क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप का डिसीजन क्या होगा, ए बी होगा। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ए और बी दोनों प्रकार के जो एंटीजन है वो एब्सेंट रहते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, इसीलिए ब्लड ग्रुप का टाइप क्या होता है, ओ होता है। और लाइटर एंटीजन ए और बी, यानी ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की क्या की थी, खोज की थी, उनके लॉ के ऊपर, यानी उनके कानून क्या थे और किस बेस पे क्या है ब्लड
ब्लड ग्रुप का डिसीजन लिया था कि चार प्रकार के क्या होंगे ब्लड ग्रुप होंगे। तो देखिए इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, यानी क्या है कि कोई एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजन यह आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी वो क्या है प्रेजेंट है किसके ऊपर आरबीसी की सरफेस पे, द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। और कोरिस्पोंडिंग यानी एंटीजन के सिमिलर यानी उसके समांतर जो एंटीबॉडी है, यानी अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी क्या ए, तो वो क्या होगी एब्सेंट होगी जिसके अंदर प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट इन द आरबीसी ऑफ एन इंडिविजुअल द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, और अगर कोई एंटीजन या एग्लूटिनोजन एब्सेंट है इसके ऊपर आरबीसी के सरफेस पे ऑफ एन इंडिविजुअल यानी प्रेजेंट है एब्सेंट है वो, तो द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी यानी उसके सिमिलर उसके समांतर उसके जैसी क्या है एंटीबॉडी उसके समान एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा, उसके समान जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी प्रेजेंट होगी किसके अंदर प्लाज्मा के अंदर। तो शुरू से एक बार दोबारा देखिए कि लैंगस्टीनर के लॉ क्या है। तो इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी सरफेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी क्या है ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है यानी जो ब्लड ग्रुप का डिसीजन लेता है वो एंटीजन क्या है प्रेजेंट है, तो द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। तो क्या होगा कि उस एंटीजन के समांतर उसके समान उसके जैसी कोरिस्पोंडिंग जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी एब्सेंट होगी प्लाज्मा के अंदर। ऐसा हो सकता है कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है ए है और उसका एंटीबॉडी भी क्या है ए है, ये क्या है इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्या है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कैसी मिलेगी बी मिलेगी, यानी कभी एंटीजन के समांतर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लाइन में देखिए इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट इन द सरफेस आरबीसी ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर क्या है किसी ह्यूमन के ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस पे अगर कोई एंटीजन एब्सेंट है ए और बी में से तो द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। तो उस एंटीजन के सिमिलर यानी उसके समांतर जो एंटीजन क्या है एब्सेंट है उसके समांतर एंटीबॉडी क्या होगी प्रेजेंट होगी उपस्थित होगी किसमें प्लाज्मा के अंदर। तो नीचे रिजल्ट देखिए इन्हीं दो नियमों के अकॉर्डिंग क्या है ब्लड ग्रुप का डिसीजन लिया गया है। अगर क्या है ब्लड ग्रुप क्या है अगर फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है अगर ब्लड टाइप क्या है ए है यानी ए है ठीक है किसी का ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है ए है तो एग्लूटिनोजन यानी क्या है एंटीजन, तो एंटीजन क्या है ए है, अगर आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ए है तो उसके समांतर एंटीबॉडी कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी उसके जैसी एंटीबॉडी कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, यही कहना चाह रहा है पहला कानून। तो एग्लूटिनिन क्या होगी एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी उसके समांतर तो नहीं होगी एंटीजन के उसके अपोजिट होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी ब्लड ग्रुप के अंदर। और दूसरा कानून क्या कह रहा है अगर कोई एंटीजन एब्सेंट है यानी क्या है किसी के अंदर ह्यूमन के अंदर कोई एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी क्या होगी उसके समांतर होगी, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा एब्सेंट है बी एब्सेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी है बी टाइप की है। इसीलिए नेक्स्ट अगर दूसरे ब्लड ग्रुप में देखें बी एंटीजन तो एंटीजन कैसा है बी टाइप के ब्लड ग्रुप में बी है, एंटीजन तो क्या हो गया ब्लड ग्रुप के सिमिलर हो गया समांतर पर एंटीबॉडी क्या होगी उसके समांतर जो एंटीबॉडी है वो एब्सेंट होगी यानी उपस्थित होगी सॉरी अनुपस्थित होगी, तो एंटीबॉडी क्या होगी उसकी उल्टी तो एंटीबॉडी क्या होगी ए होगी बी ब्लड ग्रुप में। अगर ब्लड ग्रुप क्या है ए और बी एंटीजन कैसा हो गया दोनों ही प्रेजेंट हो गया ए और बी तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी एब्सेंट हो जाएगी, अगर ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए सॉरी ओ तो एंटीजन क्या है ना तो ए उपस्थित है ब्लड आरबीसी की सरफेस पे ना एंटीजन क्या है बी उपस्थित है तो एंटीबॉडी क्या होगी ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। मेथड्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप,
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मस्ट बी डन एट रूम टेम्परेचर। तो यानी एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग है उसको अगर अपन करते हैं, यानी किसी का ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं, तो उसको किस कौन से टेम्परेचर के ऊपर करते हैं वो प्रोसीजर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट द एबीओ एंटी सीरा, यानी प्रिपेयर एंटीबॉडी, जो अपने रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, रिएजेंट आर स्टोर्ड एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रिपेयर एंटी सीरा को, एबीओ एंटीबॉडीज को अपन किसमें स्टोर करेंगे? फ्रीज के अंदर। कितने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या रखेंगे उसका? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। और ब्लड ग्रुपिंग का जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके, एग्जामिंग करके फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्या है उसको शो करेंगे, प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट ब्लड ग्रुपिंग मेथड ऑफ 2 टाइप। और ब्लड ग्रुपिंग करने के मेथड क्या है? 2 प्रकार के हैं। एक तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, यानी ऐसी ब्लड ग्रुपिंग जिसमें जो रिजल्ट आए वो क्या है वही करेक्ट है। दूसरी क्या है? रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें रिजल्ट क्या होता है क्लॉटिंग के, यानी थक्का बनने के उल्टा होता है। शुरू से देखिए लेक्चर में क्या है एक बार, कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मस्ट बी डन एट रूम टेम्परेचर। यानी ब्लड ग्रुपिंग का जो प्रोसीजर है उसको अपन कौन से टेम्परेचर पे करेंगे? तो रूम टेम्परेचर पे करेंगे। नेक्स्ट द एबीओ एंटी सीरा, यानी प्रिपेयर रिएजेंट या प्रिपेयर एंटीबॉडी आर स्टोर्ड एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रिपेयर जो एंटीबॉडी है उनको किसके ऊपर स्टोर करोगे, यानी फ्रीज के अंदर स्टोर करोगे, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। नेक्स्ट रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। और जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट यानी जो परिणाम आएगा, यानी ब्लड ग्रुप का जो डिसीजन होगा वो क्या है, अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ये अपन शो करेंगे। और ब्लड ग्रुपिंग के कितने मेथड है? 2 मेथड है, एक तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, एक रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के अंदर भी 2 मेथड है, एक तो क्या है स्लाइड मेथड, जो क्या है स्लाइड से अपन क्या ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट करते हैं तो मोस्टली काम में लेते हैं, और दूसरा है ट्यूब मेथड। आज के लेक्चर में अपन किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? स्लाइड मेथड के ऊपर। देखिए फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग क्या है, स्लाइड मेथड में देखिए प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले आपके लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, जिसका रिजल्ट क्या होता है? एक्यूरेट होता है। जैसे ब्लड क्लोटिंग आती है वैसे क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में 2 मेथड है, एक तो स्लाइड और एक टेस्ट ट्यूब। अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड का प्रिंसिपल देखिए, सिद्धांत देखिए, कि आरबीसी यानी जो कंप्लीट ब्लड है मिक्स विद कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी ब्लड को अपन क्या करते हैं? मिक्स करते हैं किसके अंदर? उनके सिमिलर एंटीबॉडीज के अंदर। यानी किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीबॉडी क्या डालेंगे? ए डालेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर किसी का एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो एंटीजन कैसा हो गया? बी हो गया। एंटीबॉडी कैसी डालेंगे? उसके सिमिलर डालेंगे, यानी जो बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी वो डालेंगे, बी डालेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर ए बी है तो क्या डालेंगे? ये भी दोनों एंटीबॉडी डालेंगे। नेक्स्ट इफ आरबीसी हैव ए एंटीजन देन इट विल एग्लूटिनेट, यानी क्लोट विद एंटीबॉडी ए। अगर किसी की सरफेस के ऊपर, यानी किसी ह्यूमन की आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन कहता है ए है, आरबीसी की सरफेस पे, यानी उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो देन इट विल एग्लूटिनेट, यानी उसका पता कैसे लगेगा? वो क्लंपिंग किसके साथ शो करेगा? ए एंटीबॉडी के साथ शो करेगा। यानी बाहर से जो प्रिपेयर एंटीबॉडी है, अगर ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगी? उसमें क्लोटिंग होगी, और क्लोटिंग होगी तो अपने को पता लग जाएगा कि इसका एंटीजन क्या है? ए है, यानी इसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए है। नेक्स्ट इफ आरबीसी हैव बी एंटीजन देन इट विल एग्लूटिनेट विद एंटीबॉडी बी। अगर आरबीसी के सरफेस पे कैसा एंटीजन है? बी है, यानी ए एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। एंटीजन कौन सा है? बी है, तो क्या होगा कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए, सॉरी, ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। देन इट विल एग्लूटिनेट, यानी वो क्लॉटिंग किसके साथ शो करेगा? प्रिपेयर बी एंटीबॉडी के साथ शो करेगा।
बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड को अगर बी एंटीबॉडी के साथ मिक्स करें तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, क्लोटिंग आ जाएगी। क्लोटिंग आ जाएगी तो अपने को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगी जिसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, बी है। नेक्स्ट, इफ आरबीसी हैव बोथ एंटीजन ए एंड बी देन इट विल एग्लूटिनेट विद बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी। यानी अगर किसी ह्यूमन की आरबीसी ट्यूब पर, यानी आरबीसी के सरफेस पे क्या है, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अपने ब्लड ग्रुप में देखा था कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप, ए बी टाइप का, तो एंटीजन कैसे थे, दोनों थे ए और बी। अगर उसका ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना हो तो उसको किस में डालना होगा, ए और बी एंटीबॉडीज के साथ मिक्स करना होगा। अगर ए और बी एंटीबॉडीज के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या शो कर देगा, एग्लूटिनेट शो कर देगा, क्लोटिंग शो कर देगा दोनों एंटीबॉडीज के साथ, जिससे श्योर हो जाएगी कि उसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, ए बी है। नेक्स्ट, इफ आरबीसी हैव नॉट बोथ एंटीजन, यानी ओ ब्लड ग्रुप की कंडीशन में, यानी इफ आरबीसी हैव नॉट बोथ एंटीजन, यानी क्या है, आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही प्रकार के एंटीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है ए और बी, देन इट विल नॉट एग्लूटिनेट, तो क्या है ये क्लंपिंग शो नहीं करेंगे, एग्लूटिनेशन शो नहीं करेंगे विद बोथ एंटीबॉडीज, यानी ए और बी एंटीबॉडीज के साथ ये कोई भी क्लोटिंग शो नहीं करेंगे, यानी कोई भी थक्का नहीं बनाएंगे। तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ओ टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ओ के अंदर एंटीजन क्या होते हैं, अपसेट होते हैं, तो एंटीबॉडी के साथ वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो शुरू से देखिए कि प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि आरबीसी विद कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी, यानी रेड ब्लड सेल को अपन किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, उसके सिमिलर एंटीबॉडीज के साथ मिक्स करें, यानी किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए के साथ, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी के साथ, अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए और बी यानी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के, तो दोनों एंटीबॉडीज मिक्स करते हैं ए और बी। अगर क्या है किसी का ब्लड ग्रुप क्या है ओ है, तो भी क्या है दोनों एंटीबॉडीज डाल के देखते हैं ब्लड के ऊपर की कौन सी के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, अगर कोई रिएक्शन नहीं होती एंटीबॉडीज के साथ तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है ओ। इसका देखिए, इफ आरबीसी हैव ए एंटीजन देन इट विल एग्लूटिनेट विद एंटीबॉडी ए। अगर किसी ह्यूमन की आरबीसी के सरफेस पे कैसा एंटीजन है, ए है, उसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, ए है, तो वो क्या रिएक्शन शो करेगा, तो वो ए एंटीबॉडीज के साथ एग्लूटिनेट बनाएगा, यानी ब्लड का क्लोट बनाएगा, थक्का बनाएगा, जिससे अपने को क्या है उसका ब्लड ग्रुप डिसीजन लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट, इफ आरबीसी हैव बी एंटीजन देन इट विल एग्लूटिनेट विद बी एंटीबॉडी। अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, बी है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा, देन इट विल एग्लूटिनेट, तो वो क्लंपिंग किसके साथ शो करेगा, एंटीबॉडी बी के साथ शो करेगा, और बी के साथ अगर क्लंपिंग आएगी तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, बी है। नेक्स्ट, इफ आरबीसी हैव बोथ एंटीजन ए एंड बी देन इट विल एग्लूटिनेट विद बोथ एंटीबॉडी। अगर आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही एंटीजन है ए और बी, वो दोनों एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन शो करेंगे। इफ आरबीसी हैव नॉट बोथ एंटीजन ए एंड बी देन इट विल नॉट एग्लूटिनेट विद बोथ एंटीबॉडी। अगर आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही एंटीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है, यानी ओ ब्लड ग्रुप की कंडीशन है, तो वो क्या करेंगे कि दोनों ही एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की क्लोटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इक्विपमेंट क्या चाहिए स्लाइड मेथड में, प्लेट टू ग्लास स्लाइड चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक मिक्सिंग स्टिक चाहिए, एक एंटी सीरा चाहिए, यानी एंटीबॉडीज चाहिए अपने को प्रिपेयर। कौन सी एंटीबॉडीज, अगर ए बी ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है, यानी ए बी ओ ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है ओनली, तो ए एंटी सीरा चाहिए प्रिपेयर यानी ब्लू कलर की, और बी एंटी सीरा चाहिए येलो कलर। नेक्स्ट है प्रोसीजर, यानी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कि टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड, पुट इट ऑन द स्मूथ सरफेस, डिवाइड द ग्लास स्लाइड इनटू टू पार्ट्स बाई यूजिंग ए मार्कर। यानी एक क्या है, आपको क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, उसको स्मूथ सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, सीधी सरफेस पे रख लेना है। डिवाइड द ग्लास स्लाइड इनटू टू पार्ट, और उस ग्लास स्लाइड को क्या है, दो हिस्से में डिवाइड करना है, ए और बी, यूजिंग ए मार्कर या पेंसिल, यानी पेंसिल या मार्कर की हेल्प से उस ग्लास स्लाइड को दो हिस्से में डिवाइड कर लेना है, एंड मार्क ए एंड बी ऑन द साइड। और ये जो डिवाइड किया है आपने, उन दोनों हिस्सों के ऊपर नाम लिख देना है, एक हिस्से पे तो ए और दूसरे हिस्से पे क्या लिखना है, बी लिखना है। नेक्स्ट, टेक ए ड्रॉप ऑफ एंटी सीरा ए ऑन द पार्ट ऑफ स्लाइड एंड वन ड्रॉप ऑफ एंटी सीरा बी ऑन द अदर पार्ट ऑफ स्लाइड।
एक ड्रॉप आपको एंटीसीरम ए की लेनी है जो कि इस पोर्शन में डालनी है, स्लाइड के जहां पे आपने ए मार्किंग की थी उस साइड में डालनी है। फिर दूसरी ड्रॉप आपको किसकी लेनी है, बी एंटीसीरा की लेनी है, वो किस टाइप में किस साइड में डालनी है, जिस साइड में आपने बी मार्क किया था, यानी दोनों साइड के ऊपर स्लाइड की, ठीक है, ए और बी के ऊपर उनके कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी डालनी, यानी ए साइड के ऊपर तो ए एंटीबॉडी, बी साइड के ऊपर बी एंटीबॉडी। नेक्स्ट, एड वन ड्रॉप ऑफ 10% सेल सस्पेंशन ऑन ईच पार्ट ऑफ स्लाइड विथ द सेल विद कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी। फिर क्या है, एक एक ड्रॉप दोनों साइड के ऊपर डाल देनी है स्लाइड के ऊपर, यानी एक जिस ब्लड का आपने को क्या ब्लड को डिटेक्ट करना है उस ब्लड की एक एक बूंद दोनों साइड के ऊपर डाल देनी है स्लाइड के ऊपर, यानी ए साइड में भी एक बूंद डाल देनी है जहां पे एंटीसीरा डाली थी आपने, और बी साइड के ऊपर भी एक बूंद डाल देनी है एंटीबॉडी, और क्या कर देना, मिक्स करना है अच्छे से सेल को किसके साथ, एंटीबॉडीज के साथ। नेक्स्ट, स्प्रेड इट फ्रॉम 20 mm सर्कल, और मिक्स करने के बाद क्या करना है, उसको 20 mm के सर्कल में घुमा देना है, गोल राउंड बना देना है, मिक्स करते टाइम 20 mm के सर्कल में फैला देना है उसको। लीव द टेस्ट, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद क्या करना है, लीव द टेस्ट स्लाइड फॉर 1 to 2 मिनट एट रूम टेम्परेचर, यानी स्लाइड को 1 से 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देना है। लुक फॉर एग्लूटिनेशन एंड प्रोटेक्ट द स्लाइड फ्रॉम ड्राई। फिर क्या करना है आपको, 1 से 2 मिनट के बाद स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, यानी एग्लूटिनेशन देखना है कि ब्लड के अंदर क्लंपिंग किस पार्ट के अंदर आई है, और प्रोटेक्ट उसको ड्राई होने से बचाना है, स्लाइड को सूखने से बचाना। जो आपका टेस्ट फर्स्ट था मार्किंग का, वो इस तरीके से करना है। इसमें क्या है, ए और बी और डी एंटीजन, तीन प्रकार के एंटीजन लिखे हैं, यानी आर एस भी शो कर रहा है, जबकि अपन क्या है अभी तक ए और बी ब्लड ग्रुप ही सीख रहे हैं, तो अपन कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे स्लाइड को, ए और बी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। फिर क्या करना है अपने को, ब्लड ग्रुपिंग करनी है, तो अपन क्या है इसमें ए और बी देखेंगे, तो ए के जो हिस्सा था आपने जो स्लाइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था ए और बी, अगर ए पोर्शन के अंदर देखेंगे क्या, एक ड्रॉप तो किसकी डिलीवरी हुई, ब्लू कलर की, जो क्या है एंटीसीरम, ये एंटीसीरम प्रिपेयर जो क्या है रेडीमेंटली है, और दूसरी ड्रॉप रेड कलर की जो है वो किसकी है ब्लड की, दूसरी साइड की बी एंटीसीरम, बी जो पोर्शन है स्लाइड उसमें कैसी एंटीबॉडी डाली है स्टेप सेकंड में, तो एक बूंद डाली है किसकी एंटीबॉडी की, और दूसरी बूंद किसकी डली हुई है रेड कलर की, जो किसकी है ब्लड की है, 10% सेल सस्पेंशन की है जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, ए वाली है तो उसको ए साइड में ही मिक्स करेंगे, बी वाली है तो उसको बी साइड में ही मिक्स करेंगे मिक्सिंग स्टेप की हेल्प से, और इन जो राउंडेड शेप है यानी इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो 20 mm का सर्कल बना लेंगे। बनाने के बाद उस स्लाइड को 1 मिनट के लिए रख देंगे, 1 मिनट के बाद रखने के बाद क्या है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो अगर क्या है नेगेटिव आ रहा है, यानी क्या है ए एंटी सब प्रेजेंट नहीं है, यानी किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो ए में क्या है कोई भी क्लॉट नहीं होगा, नेगेटिव में देखिए आप उसमें कोई भी क्लंपिंग दिखाई नहीं दे रही, यानी ब्लड कैसा है जैसा का जैसा है, जैसे नहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस टाइप का था वैसा ही है, उसमें कोई भी क्लंपिंग धक्का दिखाई नहीं दे रहा। अगर एग्लूटिनेशन आता है यानी ब्लड ग्रुप क्या होता है पॉजिटिव होता है यानी क्लंपिंग शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन पॉजिटिव। नीचे के डायग्राम में क्या है पॉजिटिव है, यानी अगर ए या बी में किसी में भी क्लॉटिंग आती है तो उसी टाइप का क्या है एंटीजन प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर ए और बी दोनों में क्या है क्लॉटिंग आती है तो क्या है दोनों प्रकार के एंटीजन क्या है प्रेजेंट है, यानी ब्लड ग्रुप क्या है ए और बी टाइप का है। अगर क्या है ना तो ए में क्लोटिंग आती ना बी में क्लोटिंग आती, यानी नेगेटिव रहते हैं दोनों के दोनों, तो ब्लड ग्रुप किस टाइप का ओ टाइप का, यानी एंटीजन ए और बी दोनों ही क्या है एब्सेंट है आरबीसी के सरफेस पे, उसका ब्लड ग्रुप क्या है ओ टाइप का। इस तरीके से क्या है स्लाइड है, ये देखिए अपन नेगेटिव और पॉजिटिव का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में क्या है कि ब्लड ग्रुप का सबसे पहला कॉलम है ब्लड ग्रुप का, दूसरा है एंटीबॉडी का, और तीसरा क्या है एंटीबॉडी बी का। अगर ब्लड ग्रुप किसी का टाइप ए है तो वो ए एंटीबॉडी के साथ क्या शो कर रहा है क्लंपिंग शो कर रहा है, यानी फटा हुआ सा दिख रहा है थोड़ा क्लोटिंग दिखा रहा है, जबकि बी एंटीबॉडी के अंदर ब्लड कैसा है रेड कलर का प्योर, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए हो गया, यानी जिसमें ए एंटीबॉडी के साथ क्लोटिंग शो की, एंटीजन कैसा था ह्यूमन की सरफेस पे ए प्रकार का था।
जबकि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो वो ए एंटीबॉडी के अंदर क्या है, उसका ए एंटीबॉडी के साथ क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ब्लड कैसा होगा, रेड कलर का, और बी एंटीबॉडी के साथ उसका क्या होगा, क्लॉटिंग होगा, यानी एग्लुटिनिन बने, सॉरी एग्लुटिनिन बनेगा, यानी क्लंपिंग शो करेगा वो। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो एंटीबॉडी ए और बी दोनों के साथ क्या है, रिएक्शन शो कर रहा है, यानी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शो हो रही है आपको इस स्लाइड के अंदर, ए पोर्शन में भी स्लाइड के और स्लाइड के बी पोर्शन में भी। अगर क्या है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें ना तो ए के अंदर क्लॉटिंग होती है, ना तो ए एंटीबॉडी के साथ क्लॉटिंग होती, और ना ही बी एंटीबॉडी के साथ क्लॉटिंग होती, तो ब्लड ग्रुप क्या है, ओ के अंदर एंटीजन दोनों ही एब्सेंट रहते हैं, ए और बी, एंटीबॉडी क्या है, दोनों ही होती है ए और बी। इसीलिए क्या है, जब अपन बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज के साथ ब्लड को मिक्स करेंगे, उसमें एंटीजन तो एब्सेंट है ए और बी, तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, ट्यूब मेथड के ऊपर, यानी ब्लड ग्रुप फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग का जो सेकेंड टाइप है ट्यूब मेथड, उसके ऊपर होगा। थैंक्स टू ऑल।